मीना सिंहपुर में अतिथि शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि अतिथि शिक्षकों की मांग नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में सरकार नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों के साथ भेदभाव और अन्याय किया जा रहा है। वहीं अतिथि शिक्षकों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की भी बात कही है। शोषण हम लोगों का किया जा रहा है, 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो हमको दिया जा रहा है। 60-60 बच्चों को हम लोग संभालते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का पूरा अवसर हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्या मिल रहा है। बाकी हम लोगों के जो शिक्षक साथी हैं, जो परमानेंट शिक्षक हैं, वो लोग भी हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मतलब हम लोगों को और प्रताड़ित करते हैं और नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। अपना स्वाभिमान तो प्राप्त कर सके, सम्मान से कह सके लोगों से कि हम शिक्षक हैं। देखिए, हमारा पूरा मध्य प्रदेश में लगातार दौरा चल रहा है। हमारी जल्द लड़ाई 7 और 8 तारीख को भोपाल में बहुत बड़ी लड़ाई आगाज करने वाले हैं हम अतिथि शिक्षकों को। मैं खुले तौर पर चेतावनी दे रहा हूँ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि अगर हमारे अतिथि परिवार को, अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द अधिकार नहीं दिए गए, गुरु जी की तर्ज में संविधान में नियुक्त नहीं किया गया और जो छोटी छोटी विसंगतियां हैं, हमारे जो अतिथि शिक्षक बीएड नहीं किए, उनको 2 साल का समय नहीं दिया गया, तो हम इस आगाज को बहुत बड़े रूप से खड़ा कर देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को 2018 में सरकार उनकी हम गिरा देंगे।